नमस्कार दरभंगा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पल पल की अपडेट आपको मतगणना केंद्र से हम दे रहे हैं और लगातार टाइम्स के बिहार नजरें बिछाया हुआ है कि क्या है मतगणना अपडेट। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर, भोपाल चिट्ठा को 51,919 मत से आगे चल रहे हैं। टोटल वोट की बात करें जो गोपाल जी ठाकुर को अभी तक मत भरा है 154,080 वोट। छठा राउंड है यह। आपको बता दें अपने प्रतिद्वंदी राजद के जो प्रत्याशी हैं ललित यादव, उनको 102,889 मत भरा है। बात की जाए गोपाल जी ठाकुर 51,919 मत से आगे चल रहे हैं। और नोटा की जो बात की जाए तो इस बार नोटा में भी जमकर वोटिंग हुई है। 6,684 नोटा लोगों ने दबाया है। हमारे साथ राजीव प्रकाश मनकर है, उनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार, कैसा रहेगा रुझान? इस बार दरभंगा का जो रिजल्ट आने वाला है, गोपाल जी ठाकुर 125,000 वोट से विजयी होंगे लमसम, और देश में पुनः मोदी जी की सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार बनेगी। मैं ऐसा देख रहा हूँ, रुझान इस प्रकार से है। और जिस प्रकार से काम जैसा हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में, उससे लोग राष्ट्र के प्रति ऊपर समर्पण होकर वोटिंग किए हैं। और जैसे हम अपने दरभंगा में हैं तो हम दरभंगा का जो वोटिंग देख रहे हैं अभी तक का जो शेड्यूल है बहुत ही अच्छा रहा और कृत्य रहा, और सभी मतदाताओं ने राष्ट्र हित में वोट किया, न कि किसी व्यक्ति विशेष में वोट किया। और सभी लोग मोदी जी को ताकत बन के आगे बढ़ाने का काम करने का काम किया है। और आज जो रिजल्ट है, हम लोग यहाँ हैं जहाँ मतगणना हो रही है, वहाँ से हम लोग को अपडेट मिला है कि अभी तक की जो क्रम संख्या है 51,919 वोट से सामने वाले प्रतिद्वंदी ललित यादव जी से जो है आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर जी। हाँ बिल्कुल, राजीव प्रकाश मनकर ने जो बातें बताई हैं सही बताई हैं। आप बने रहे हमारे साथ, मैं रवि गुप्ता।